प्रोमिला गुप्ता अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई हैं। उनकी आत्मिक शांति के लिए रस्म उठाला श्री देवी तालाब मंदिर स्थित श्री राम हॉल जालंधर में संपन्न हुआ। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुण पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय प्रोमिला गुप्ता की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर पूर्व CPS KD भंडारी, रमित दत्ता, अनिल कुमार, मनोज आनंद, करण मीनू, राजन गुप्ता, मौनी जोशी, हैप्पी शर्मा, प्रदीप चड्ढा और पारिवारिक सदस्यों में राजू गुप्ता, रितेश गुप्ता, हार्दिक गुप्ता, पुलकित गुप्ता, हार्षिक वर्मा, प्रणव सहित राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय प्रोमिला गुप्ता को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। इसलिए माँ की उपमा केवल माँ है, माँ की बराबरी किसी से नहीं की जा सकती, माँ का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। अपने स्तनों से जो बच्चे को जीवन प्रदान करती है दुग्ध देकर, पिता अपने पुत्र को कितना लाड़ प्यार करता है, घोड़ा तक बन जाता है, अपने बच्चे को कंधे पर चढ़ाता है, सारे जीवन की जमा पूंजी, धन दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ जो अपने बच्चे पर निछावर कर देता है। इसलिए माता पिता का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। लेकिन आज कई बार समाज में बड़ी महाराज विकट परिस्थिति हो गई। आज वृद्धाश्रम खुल गए, ये कलयुग का समय, कलयुग का परिचय ही यहां से है कि आज वृद्धाश्रम खुल गए। थोड़ा